गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी और अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं, कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस और दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में पैदा होती है। यह सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, यह समाज को खोखला बना रही है, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। यह बातें उन्होंने मंगलवार को विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा के बाद रामलीला मैदान में कही। मानसरोवर मंदिर में पूजन के उपरांत सीएम योगी की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची। यहां चल रही रामलीला में उन्होंने प्रभु श्री राम का राजतिलक किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हमें एहसास करा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कल्याणकारी शासन व्यवस्था का और समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वह समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को जोड़ता है, तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मा, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी, यह मौतें आज लगभग जीरो के नजदीक आ चुकी हैं। यह चीजें दिखाती हैं कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है, यह सामूहिकता का परिणाम है। एकजुट होकर जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन, सभी एकजुट हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी बीमारी, जिसे असाध्य मान लिया गया था, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे कि इसे महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए, इसके बाद उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयदशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयदशमी पर्व के साथ जुड़ते हैं। विजयदशमी का पर्व केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था। अंततः उसे प्रभु राम के हाथों मरना पड़ा, यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी विजयदशमी का पर्व प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया। भारत की विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा या संस्कृति का कोई चिन्ह ना रहे, उसे समाप्त करते हुए अपनी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनाने में हमें सहयोग देना है। उत्तर भारत में कोई गांव और मोहल्ला नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन ना होता हो। विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जोड़ है। इस दौरान उन्होंने विजयादशमी पर सबको बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं एक बार फिर यहां आया हूं। आर्यनगर की यह रामलीला समिति प्रतिवर्ष आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करती है। मैदान में
रामचंद्र की महाराज जी काम महाराज जी अब प्रभु श्री राम का तिलक आरती करेंगे। Yeah.
माता की आज भारत वर्ष का विजय पर्व विजयादशमी है और विजयादशमी के पर्व में ये उत्साह और उमंग हम सबके मन में देखना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, रामलीला कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि के नौ तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजय पर्व पर विजयादशमी के अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरखपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरखपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा, मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञान वर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयादशमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है।
भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी बांदरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है विजयादशमी का पर्व, और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जुड़ने का आह्वान किया। ये पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार के विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में ना हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है, लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती है, कभी रावण के रूप में पैदा होती है, कभी कंस के रूप में पैदा होती है, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती है, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, ये समाज को खोखला बना रही है, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से इस सीजन में आज से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी, अब ये मौत लगभग 0 के नजदीक आ चुका है, 0 के नजदीक आ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं
कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है, ये सामूहिकता का परिणाम है। सात्विक ताकतें एकजुट होकर के जब सामूहिक प्रयास करेंगे उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाइड किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो देखते ही देखते हुए हजारों बच्चे जो प्रतिवर्ष काल कलवित होते थे इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, आज वे जीवित हैं और आने वाले समय में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। भाइयो बहनों, हम सबको देखना है, यही मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा जो मॉडल था इसी को अंगीकार करके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में किया और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से विगत 2-2.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, आपको लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी भी एक राक्षस के रूप में आया था, पूरी दुनिया को निकलने के लिए उतावला दिखाई देता था, लेकिन आज कोरोना लगभग लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है। कोरोना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में जन सहभागिता के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रयास हुए, आज उसके रिजल्ट भी सबके सामने है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन आया 100 साल के बाद, जापान में 1905 में ये वैक्सीन बन गया था, लेकिन भारत और गोरखपुर में पहुंचने में उसे 100 साल लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन मात्र 9वें महीने में आपको उपलब्ध करा दिया और वह भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करा। अब तक देश के अंदर 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है और उत्तर प्रदेश में 38.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी कल्याणकारी शासन का, व्यवस्थाकार समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को होम करता है और तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे यहां तो कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो, वो धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा। और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्यता भव्य स्वरूप देते हैं। आप सबने मौसम विपरीत होने के बावजूद
जिस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े और मुझे बताया गया, यहाँ रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं, बड़ी लोकप्रिय यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। और बहुत इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है, आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया, कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, यहाँ कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तब जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलीला समिति ने, और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं, और उसी भव्यता के साथ रामलीला कमेटी यहाँ पर रामलीला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयदशमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवसर पर आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, मैं श्री श्री रामलीला समिति की तरफ से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।